तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन कहता है ई टू द पावर 3x-4 के विस्तार में एक्स स्क्वायर का गुणांक बताइए। क्वेश्चन आ रखा है आपका PGT 2005 में, क्वेश्चन आया हुआ है ये। ठीक, तो सॉल्यूशन हमारा क्या रहेगा, देखिए सबसे पहले ई टू द पावर 3x-4 है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ई टू द पावर 3x इंटू ई टू द पावर -4। अभी जो ई टू द पावर -4 है ये एक तरह से कांस्टेंट है, ठीक है ना। तो हमें जो काम करना है वो ई टू द पावर 3x पे करना है। अब हम जानते हैं एक ई टू द पावर x इज इक्वल टू होता है 1 प्लस एक्स अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, ये इन्फिनिटी तक होता है। अगर इसी तरह से यहाँ पर माइनस हो जाएगा तो पहला प्लस माइनस एक्स वाला माइनस हो जाएगा, फिर ये प्लस हो जाएगा, फिर दूसरा माइनस, इस तरह से चलता चला जाएगा। तो ये तो है एक फॉर्मूला। ठीक, अब हमें इसी के फॉर्म में ई टू द पावर 3x का निकाल लेना है। तो ये क्या रहेगा, यहाँ पर तो रहेगा 1 प्लस यहाँ पर क्या आ जाएगा 3x अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस यहाँ पर क्या आ जाएगा, जब x की जगह 3x को रखेंगे तो पूरे का स्क्वायर होगा, यानी कि 9x² अपॉन 2 फैक्टोरियल आ जाएगा यहाँ पे। अच्छा, ये हमने यहाँ जो देखा था, हमने ई टू द पावर -4 इसके मल्टीप्लाई में रखा हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ जो चीज़ हमने ये अलग से सॉल्व की है, अब यहाँ अगर हम देखें जब हम मल्टीप्लाई करेंगे ई टू द पावर -4 का यहाँ, तो इसमें भी पूरे में ई टू द पावर -4 का मल्टीप्लाई होगा, ठीक है ना। इसको ये आप आगे तक जहाँ भी जाएगा उन सभी टर्म्स में ई टू द पावर -4 का मल्टीप्लाई होगा। अब यहाँ से एक्स स्क्वायर वाली टर्म इसने पूछी है कि एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या रहेगा, तो हम निकालेंगे एक्स 9 अपॉन 2 फैक्टोरियल, क्योंकि एक्स स्क्वायर का गुणांक पूछा है, साथ में ई टू द पावर -4 इसके मल्टीप्लाई में आएगा इंटू ई टू द पावर -4, ठीक है ना। तो ये आपका क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक हो जाएगा 9 अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू ई टू द पावर -4, यही आपसे पूछा गया था।